हाय, आज हम बहुत ही यम्मी डिश बनाने वाले हैं। सिड्डू, हिमाचली डिश, जो कि मैं जब भी शिमला या उससे ऊपर जाती हूँ ना, तो दिस इज माय गो टू फूड। सो हमने ऐसे 3 बोल नॉर्मल वीट के लिए, एंड यू वुड वंडर कि यार मैम तो वीट खाने नहीं देती है, तो खिला क्यों रही है। बट दिस इज फॉर ऑल दोज पीपल हु आर नॉट एलर्जिक टू डेयरी एंड कैन हैव वीट। इसमें हम 1 टीस्पून, सो ये हाफ टी स्पून है जो मेरा है, इसमें हम 1 टीस्पून यीस्ट डाल रहे हैं। और ये मैं अर्बन प्लेटर से यीस्ट मंगाती हूँ, जस्ट बिकॉज इसकी क्वालिटी अच्छी लगती है मुझे। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, ड्राई यीस्ट चाहिए। एंड अब इसमें हम इसको जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना, वैसे करके आटा गूंथ लेंगे। और इसको 2 घंटे के लिए हम फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। सो फर्मेंटेड डिशेज अच्छी होती है कि नहीं होती है? मेजॉरिटी लोगों के लिए अच्छी होती है ना, कुछ के लिए अच्छी नहीं होती है, जिनमें सीबो वगैरह होता है। तो अगर आपको फर्मेंटेड डिश खाकर अच्छा नहीं लगता, लाइट नहीं फील होता, हैवी होता है, गैस बनती है, तो प्लीज गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर सीबो, बिकॉज फिर गैस्ट्रिक गट डिसबायोसिस कुछ तो जरूर चल रहा है। बट अदरवाइज गट माइक्रोबायोम को हेल्दी रखने के लिए, रिच रखने के लिए, आप इंडिया में देखोगे हर कल्चर में अपनी अपनी तरह की फर्मेंटेड फूड्स हैं। जापान में अपने तरह का फर्मेंटेड फूड है, इंडिया में, साउथ में इडली सांभर है, नॉर्थ में भटूरे हैं। सो एवरीवेयर यू विल गो एंड यू विल फाइंड गुड फर्मेंटेड फूड्स, बिकॉज दे ऑलवेज न्यू कि गट माइक्रोबायोम को बैलेंस करने के लिए वी नीड फर्मेंटेशन। ठीक है जी, सो एंजॉय दिस। आई एम गोइंग टू नाउ कीप इट फॉर 2 आवर्स सो दैट इट फर्मेंट्स। एंड बहुत अच्छे से इसको बीट करना है, तो अच्छे से मुक्की मारनी है ताकि ये बिल्कुल कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल सेम हो जाए हर जगह पर। एंड ये आपको ऐसा दिखे, इस जार में रख देंगे, इस बोल में, ठीक है। एंड थोड़ा सा देसी घी हाथ में लेकर हम इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से मल देंगे, ठीक है। एंड अब हम इसको डैम्प कपड़े से मलमल के, या थिन किचन में आप जो भी क्लॉथ यूज करते हो उससे कवर कर देंगे। एंड नाउ वी विल कीप इट इन सन फॉर 2 आवर्स एंड 2 घंटे बाद आई बी बैक विद यू टू मेक सिड्डू। सो अब जो हमने बाहर बैटर अपना फर्मेंट होने के लिए रखा हुआ है सिड्डू का, ठीक है, उसके लिए हमें ये हाफ बोल है ना, ये हाफ कप है, हाफ कप पॉपी सीड्स, ठीक है, इनको सोक करना है पानी में फॉर अबाउट 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी देर कर सकते हो। तो हम 30 मिनट्स करेंगे। एंड ये हमने ऐसे करके इसको सोक कर दिया है, ठीक है जी। एंड साथ में हमने ये वॉलनट्स लिए हैं थोड़े, क्योंकि इसमें वॉलनट्स चलते हैं, एंड वॉलनट्स भी हम सोक करके यहाँ पे रख दे रहे हैं। सो 30 मिनट्स के बाद हम आएंगे और इसका हम फिलिंग बनाएंगे सिड्डू के अंदर डालने के लिए। सो आई हैव मिक्स्ड एवरीथिंग एंड नाउ वी आर गोइंग टू ब्लेंड इट। थोड़ा सा, यू नो, इफ यू थिंक इट्स नॉट ब्लेंडिंग प्रॉपरली, राइट, बिकॉज गार्लिक एंड जिंजर है इसमें। सो नाउ वी आर मेकिंग सिड्डू। सो हमने बैटर में से थोड़ा सा मोटा ऐसे पेड़ा ले लिया है, जैसे हम रोटी बनाते हैं, इसमें हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे, वाइट बटर, अनसॉल्टेड है जो मैं लगा रही हूँ। एंड हाथ से रोटी बनानी है, अगर हाथ से नहीं बनानी तो हम बेलन पे भी रख सकते हैं, चकले पर। एंड ऐसे हम हाथ से थोड़ा सा थिक इसको स्प्रेड कर लेंगे, एंड अब जब ये स्प्रेड हो गया है तो हम ये जो हमने फिलिंग के लिए मिक्सचर बनाया है ये हम इसमें डालेंगे अच्छे से। एंड आप अच्छे से फिल कर सकते हो, जितना भी आ सकता है, आपको लगता है कि ये राउंड भी बनते हैं एंड ओवल फॉर्म में भी बन जाते हैं, तो मैं ऐसे बना रही हूँ। इसको हम ऐसे मोड़ेंगे एंड एंड्स इसके ऐसे सील कर देंगे, उसके बाद सारे एंड्स को थोड़ा सा वी विल रोल देम अप टू मेक श्योर कि फिलिंग बाहर नहीं निकल जाए, राइट। एंड वाओ,
किसी ने गुजिया बनाई है, बिल्कुल वैसी सी शेप है ना इसकी, एंड दिस इज वेरी वेरी यमी। नाउ वी आर गोइंग टू पुट इट इन द स्टीमर। स्टीमर के